स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्लास 9 सिविक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देख लें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा था, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे थे, हम उसी को इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स विल इज असर्टेन बाय ईच अडल्ट सिटीजन हैविंग वन वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू। डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल्स है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, उनको वन वोट देने का अधिकार होता है और हर एक जने के लिए एक वोट ही दिया जाता है और एक वोट की एक वैल्यू होती है। वन वोट कैरी वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो इसी पे बेस्ड है, हमारे पॉलिटिकल इक्वालिटी को लेकर। हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स की बात करते हैं जहां पर कंट्री के अंदर मतलब हमें देखने को मिलता है, जहां पर हमें वोटिंग राइट्स हुए बट लेकिन ईच वोट डज नॉट कैरी वन वैल्यू। कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया एंड फिजी इन सम एंड अदर वे डिनाई वोटिंग राइट्स टू सर्टन सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हम बात करें कंट्रीज की, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इस्टोनिया हो गया, फिजी हो गई, इन सब कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है कि यहां पर वोटिंग राइट्स जो है बहुत सारे पॉपुलेशन के अंदर, अर्बन सेक्टर्स, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर डिनाई कर दिए जाते हैं, इनको नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल्स के बेसिस पे गवर्न करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन को राइट प्रोवाइड करती है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, जैसे उसने इलेक्शन जीत लिया तो उसकी मर्जी पड़े जो वो करे, ऐसा नहीं होता है। इट हैज टू रिस्पेक्ट सर्टन बेसिक रूल्स एंड इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। और जब कोई विन हो जाता है लीडर्स, तो उसको क्या करना पड़ता है, जो भी बेसिक रूल्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और दूसरी चीज पीपल को अकाउंटेबल होना पड़ता है उस चीज को फॉलो करने के दौरान, और इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी उसका जवाब देना होता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट मुगबे इज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ही इज रूलिंग देयर फॉर 38 इयर्स बट इन मेनी इंसिडेंसेस ही हैज बिहेव्ड इन एन अनडेमोक्रेटिक वे एंड अबव द लॉ। हमने अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल पढ़ा कि यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स बनाए गए उसको फॉलो करना पड़ता है और उसके रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, बट इस एग्जाम्पल के अंदर रॉबर्ट मुगबे का बोला गया, ये प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे में, और ही इज रूलिंग फॉर 38 इयर्स से इनका ही रूल चला आ रहा है वहां पर। बट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हमें देखना पड़ रहा है कि डेमोक्रेटिक होते हुए भी ये अनडेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं और लॉ के अबव जाकर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाई डेमोक्रेसी। हमने पहला देख लिया व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स देख लिए, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की नीड क्यों अराइज हुई, क्यों जरूरी है। उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, पहले अगेंस्ट में देखेंगे इसके बाद फेवर में देखते हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं हम अगेंस्ट के केसेस में। इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हम उसके हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ बुराई भी होती है, तो इसमें यह है कि एक तो इनस्टेबिलिटी रहती है और लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं जिसके कारण बहुत डिले हो जाता है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अगर हम डेमोक्रेसी को बोले तो एक पूरा गेम है, जैसे पावर प्ले और पॉलिटिकल का कॉम्पिटिशन रहता है आपस में, लीडर्स को आपस में पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, और इसमें मोरालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व, इट लीड्स टू डिले। बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है कोई भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए, तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बहुत सी बार जो लीडर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं वो जानते ही नहीं है कि पीपल के हित में किस तरीके से वर्क किया जाए। इट लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल करप्शन। बहुत सी बार करप्शन की फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू डेमोक्रेसी। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। ऑर्डिनरी आम जनता को ये नहीं पता रहता कि उनके लिए क्या चीज सही है, तो बहुत सी बार जो डिसीजन मेकिंग की जो फीलिंग होती है ली जाती है वो बहुत सी बार डिनाई कर दी जाती है इन केस ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या पॉइंट्स और डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज हमें इसके मेरिट्स के बारे में पता चलता है।
इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी लीडर हम चूज कर रहे हैं उसको आंसर देना होता है अकाउंटेबल टू द पीपल। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो ली जाती है वो बहुत कुछ कंसल्ट करने के बाद ली जाती है, तो हम बोल सकते हैं इट टेक्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और डेमोक्रेसी के अंदर एक इस तरीके की मेथड्स होती है क्योंकि सब लोगों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, तो जो भी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट आपस में होते हैं हम उसको सब चीजों को एक साथ लेकर उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। और डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की डिग्निटी है, चाहे वो रिच क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो, दोनों की डिग्निटी इक्वली ट्रीट की जाती है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और बहुत सी बार जो भी मिस्टेक्स डेमोक्रेसी के अंदर देखी जाती है तो डेमोक्रेसी के द्वारा ही उनको करेक्ट करने की भावना भी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और ब्रॉडर मीनिंग कॉन्सेप्ट में हम किस चीज से कैसे समझते हैं। डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी बेस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेटिक के आइडियाज हम आए दिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इन ब्रॉडर सेंस नो कंट्री कैन बी कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशन। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो हम नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। हाँ, वो प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के फॉलो तो कर रही है, बट अ लॉट कैन बी डन टूवर्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। बट अगर हमें रियल डेमोक्रेसी को अचीव करना है तो अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे डेमोक्रेसी को मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जा सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।